हमारी फौज को क्यों नहीं एयरफोर्स को एक बार मौका तो देकर देखिए। ठीक है उनके पास भी बराबर के बंदूकें हैं, हाँ तो टैंक्स काहे के लिए रखे गए हैं? दिवाली में उड़ाएंगे क्या कि दिवाली में मिसाइलें जलाने के लिए काहे के लिए रखी गई है? साहब पाकिस्तान और चाइना जो इतना बड़ा बवाल है ना मीडिया में, एक ऐसी समस्या जो अंदर से कहीं देश को खत्म ना कर दे। देखिएगा क्या हुआ, मुद्दा वही है, साला खबरी कौन है, कहां पर फेलियर हो रहा है? अगर ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है तो जिम्मेदार कौन है? मतलब जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, हाँ ऐसा है क्या? ये बहुत बड़ा मैच है और मेरा भारत सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि अगर ये समस्या बढ़ती जा रही है ना, अगर जंगल की बात है तो अभी कोई फल भी नहीं लगे हैं, जंगल के जंगल को उड़ाना फिर बनता है। अब ये निर्णय आपके ऊपर है, घुस के जब तक साला नहीं मारेंगे ना तब तक ऐसे ही बच्चे माओ के मरते रहेंगे, घरों के चिराग बुझते रहेंगे। बात यहां 22 माओ के बच्चों की नहीं है, बात यहां ऐसी है हजारों ऐसे शहीद हुए हैं, क्या उनकी आत्माओं को इतना भी एक बार डिजर्व नहीं करती है कि एक बार तांडव, एक बार महाकाल का प्रचंड नाच होना जरूरी है यार? वरना ऐसा है जो आज जंगलों में है ना, कल तुम्हारे घरों में घुसेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं आतंकवाद जो बाहर का है उससे बड़ा खतरा देश के अंदर के आतंकवाद से है, और अगर इससे भी कुछ खतरनाक है ना तो मालूम है कौन है? जो लोग चुप बैठे हैं। जब जब तुम चुप रहोगे ना तुम पर ऐसी ताकतें राज करेंगी, क्योंकि ध्यान रखना बुरे लोग इकट्ठे हैं और अच्छे साले चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि तुम फट्टू हो साले, सब फट्टू हो। अगर आज भी तुम अपनी आवाज नहीं उठाते हो फट्टू हो। मोबाइल है ना, कम से कम टैग तो कर सकते हो, सवाल तो उठा सकते हो, लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है बे? बस उन माओ के बारे में कभी सोच कर देखना बे, उस बहन के बारे में, उस बेटी के बारे में, उन बच्चों के बारे में जिनका बाप वहां गर्मी में जंगलों में लड़ते हुए तुम्हारे लिए शहीद हुआ। उसको फर्क पड़ता है उस तिरंगे के लिए, उसे इस वतन के हर इंसान से फर्क पड़ता है।